गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं, तो मुझे जरा थोड़ा सा मिसेज बैक्स में आप जरा थोड़ा सा टाइप कीजिए कि आप मुझे देख रहे करके। ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग ये COVID-19 के जो अभी एक दौर चल रहा है, उस दौर में जो फाइटर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो फ्रंट लाइन में है, उसमें आप भी है। हालांकि आपके बारे में ज़्यादा पब्लिक के सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जितने रिस्क ले रहे हैं, उतने या और कुछ मायने में और ज़्यादा ये रिस्क आप ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको धन्यवाद देना है कि आप ऐसे टाइम में देश के लिए, पेशेंट्स के लिए और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपका धन्यवाद और आपके अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र है। मैं और एक आपको बोलना चाहता हूँ कि आप दिन भर आपके फार्मेसी में रहते हैं, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो आप ऐसे जाना चाहिए कि आप अभी ऐसा ये कोरोना वायरस है, COVID-19 आप घर नहीं लेके जा रहे हैं, तो आपको खुद की भी बहुत ज़्यादा आप सुरक्षा अपने रखनी चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो इस देश के फार्मासिस्ट है, वो निग्लेक्टेड ऐसे जो लोग हैं उनमें से एक आप हिस्सा है। मुझे फार्मासिस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं FDA कमिश्नर बन के 2011 में गया तो मुझे पता चला कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काम किस तरह का है और उसका वो काम का लेवल क्या है और उस काम की देश के लिए ज़रूरत क्या है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम सिर्फ आप कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या आपका प्रोफेशन चलाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये उससे भी ज़्यादा है, ये कोई बिजनेस से ऊपर उठ के है। तो ये सिर्फ इसको बिजनेस नहीं देखना है या सिर्फ कोई प्रोफेशन नहीं देखना है, तो उसके ऊपर जाके आपका काम है, ये आपके काम का आपने वो ख्याल आना चाहिए कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है या प्रोफेशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि जो हालात फार्मासिस्ट के है गए समझो 30-40-50 साल में, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। इस देश में 8-9 लाख ऐसे रिटेल आउटलेट्स हैं और वो रिटेल आउटलेट में कानून के तहत अंडर द रूल्स ऑफ 1945 फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। ये होने के बावजूद मुझे लगता है कि अभी भी 2020 में हर एक फार्मेसी शॉप में फार्मासिस्ट की उपस्थिति वहाँ होती नहीं है, प्रेजेंस होता नहीं है। ये देश के लिए और समाज के लिए बहुत गंभीर बात है। मुझे आपकी एक गलतफहमी दूर करनी है और मैं हर बार वो गलतफहमी दूर करने का प्रयास करता हूँ। ये गलतफहमी ऐसी है कि मैंने आपके लिए कुछ किया नहीं हूँ, ना कि वो मेरा ये था कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। मेरा सिर्फ जब मैंने FDA ज्वाइन किया तो वहाँ FDA में मैंने जो देखा पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, तो ये जो कारोबार है मेडिसिन का या जिसको आप ड्रग्स बोलते हैं, ये कारोबार में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जैसे कि पहला पेशेंट है पेशेंट, दूसरा प्लेयर है मैन्युफैक्चरर, और देन एक रेगुलेटर जो आते हैं FDA या ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, और आप लोग यानी ट्रेड वाले। ये ऐसा बनके ये सब ट्रेड से ये जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो चलता है। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे फार्मासिस्ट के संगठन है, ट्रेड के ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जैसे संगठन है, या OPPI मैन्युफैक्चर के संगठन है, सब लोगों के संगठन है, लेकिन वहाँ पेशेंट का कोई संगठन नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे तो ड्रग इंस्पेक्टर के भी संगठन है। जब मैंने पूछा मेरे ऑफिसर्स को, मेरे स्टाफ को, कि ऐसा मुझे कोई संगठन है क्या कि जो पेशेंट का कोई देखता है, तो मुझे आई वॉज शॉक्ड टू हियर कि ऐसा कोई बहुत सीरियस ऐसा संगठन इस देश में पेशेंट के लिए बना नहीं है कि जो पेशेंट के जो राइट्स है, पेशेंट की जो कठिनाई है, जो तकलीफें है, जो दूर करने के लिए प्रयास करे, ऐसे कोई पावरफुल या कोऑपरेटिव ऐसा जो है सब स्टेट्स के बना के ऐसा कोई मिला नहीं। लेकिन जब मैंने ये कानून पढ़ा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल जो बने हैं 1945 में,
उसमें एक ध्यान में आ गया है कि ये पूरा कानून जो है वो सिर्फ पेशेंट्स के लिए बना है, बाकी तो चीज़ें ये पेरिफेरल है, ये फोकस ही जो ऐसा है कि वो पेशेंट्स के लिए बना है। और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ वर्ल्ड की बात छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में तो सब कि अबाउट 75-80 लाख करोड़ का ये बिजनेस है। भारत में अभी हाल ही में रिसेंट फिगर्स के मुताबिक 150,000 करोड़ का जो उसका बिजनेस है, यानी विद इन द कंट्री। और जो एक्सपोर्ट होते हैं वो भी अराउंड 147,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी होता है। यानी हमारा ये जो बिजनेस है फार्मास्यूटिकल का, इस दिस कंट्री का जो एक्सपोर्ट और इंडिया में जो जो खपत होती है, ये अराउंड 3 लाख करोड़ का बिजनेस है, 3 लाख करोड़ रुपीज का बिजनेस है। अभी ये पैसा देता कौन है? ये पैसा क्या कुछ गवर्नमेंट देती है, या कुछ मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, या ट्रेडर्स देते हैं, या फार्मासिस्ट देता है? ये पैसा कौन देता है? ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पेशेंट देता है। एक तो पेशेंट वैसे ही उसकी हालात ठीक नहीं होती है, और ऐसे समय पे वो खुद का पैसा देके वो डॉक्टर को भी पैसा देता है, और उसमें ये दवाओं को भी पैसा चले जाता है। तो वो जो पेशेंट है उसके राइट्स, यानी उसको बहुत जो ड्रग्स है, मेडिसिंस है, वो सही कीमत पर मिले। दूसरा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। और तीसरा ऐसा है कि उससे वो ड्रग से उसको कुछ उसको कोई एडवर्स रिएक्शन ना आए। ये सब होने के लिए ये कानून के प्रावधान है। और मुझे लगता है कि गए 30-40 साल में ये प्रावधान के बारे में क्या हुआ मुझसे आप लोग ज़्यादा जानते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसके ऊपर मैं घंटों नहीं कोई सप्ताह में भी बात कर सकता हूँ, इतना बड़ा है, एक किताब लिखने जैसा ये टॉपिक है। मैं सिर्फ थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपने बताया मुझे कि ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में आप कुछ बताना चाहिए। ऑनलाइन फार्मेसी जो आ रही है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन फार्मेसी ये केवल है केवल आपकी तरह से आ रही है, आपकी वजह से आ रही है। अगर आप सचेतन रहते थे गए 30-40 साल में, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन फार्मेसी का कोई नाम भी नहीं लेता था। और मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, मैंने जब ऑनलाइन फार्मेसी के जब रूल्स बनने की तैयारी शुरू हुई थी, तब मैंने इसके ऊपर सेमिनार में जाके बात किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाके बात किया है, मैंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होकर वहाँ भी बात किया है, और नेशनल चैनल्स पर बोला हूँ कि ये जो ऑनलाइन फार्मेसी का जो चल रहा है वो गलत है, सरासर गलत है। और मैं ये आई वॉज टॉकिंग दिस फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट्स, कि पेशेंट के लिए मुझे बाद की बाकी जाके तो अलग चीज़ें है ही, उसके ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन पेशेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ये गलत इसलिए है कि जो काउंसलिंग होने वाला है, जो 1-to-1 काउंसलिंग होगा, वो 1-to-1 काउंसलिंग इसमें होने की कोई इसमें ये नहीं है कि ऐसा काउंसलिंग होने वाला नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि बाकी अभी ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, कॉल सेंटर्स बनेंगे, ये मुझे लगता है कि कभी होने वाला नहीं। जो फिजिकल फार्मासिस्ट का काउंसलिंग इस देश में बना नहीं है, तो ऑनलाइन का काउंसलिंग की कब बात है। और इसी विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब 1945 के रूल्स बने, और जब ऐसा बना कि हर एक फार्मेसी में या हर एक शॉप में फार्मासिस्ट के सुपरविजन, उसके प्रेजेंस में और उसके सिग्नेचर से ही ये कारोबार चलेगा, तो तभी से लेके मैं जब 2011 में आया और मैंने जो देखा महाराष्ट्र के हालात, बाकी स्टेट के हालात तो इससे भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, महाराष्ट्र में फार्मासिस्ट वेयर रेयरली अवेलेबल, और ये बहुत खराब स्थिति थी। एक जगह कानून में पार्लियामेंट ने आपको हक दिया है, पेशेंट को हक दिया है कि वो उनको इसका काउंसलिंग मिले, फार्मासिस्ट का काउंसलिंग मिले, लेकिन 1945 से लेके 2011 तक फार्मासिस्ट ने तो कुछ मुद्दा उठाया नहीं, लेकिन जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, या स्टेट के FDAs है, या स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स है, वो सो रहे थे क्या? बहुत गंभीर स्थिति है। पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा काम किया, पार्लियामेंट में बताया कि हर एक शॉप में फार्मासिस्ट रहेगा, वो फार्मासिस्ट इसलिए रहेगा कि उसने पेशेंट को काउंसलिंग करना है। अभी पेशेंट को काउंसलिंग क्यों करना है, ये मैं अभी ज़्यादा आपको बताता ना, उसके ऊपर मेरे वीडियोस है कि पेशेंट में काउंसलिंग क्यों करना है। पूरे दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज है सब जगह ऐसा होता है, और डॉक्टर से डॉक्टर के पास अगर कोई 10 मिनट रुका तो फार्मेसी के पास 15 मिनट रुकता है,
तो ये सब चीजें हैं कि फार्मासिस्ट के पास पेशेंट ने ज्यादा रुकना है और वो दवा के बारे में उसके बारे में ज्यादा मालूमात करनी है। अभी मैं इसमें भी जाऊंगा नहीं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से यूएसए में कितने लाख लोग मरते हैं और कोई उससे क्या प्रॉब्लम होता है, वो तो सब होता ही है, ये सब आप देख सकते हैं। मेरा छुड़ी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनका जो फैक्ट शीट है उसमें बताया कि जो ड्रग्स बेचे जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, आउट ऑफ दैट 50% आर अननेसेसरी प्रिस्क्राइब, अंडर प्रिस्क्राइब, ओवर प्रिस्क्राइब, या नॉट प्रॉपरली डिस्पेंस्ड, और 50% ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो पेशेंट है वो उसका कोर्स पूरा नहीं करता या गलत तरीके से लेता है। ये अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए सिर्फ फार्मासिस्ट का ही जिम्मेवारी है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अगर ऐसा है तो 1945 से लेके 2011 तक और अभी भी वो फार्मासिस्ट का जो रोल दिया है पार्लियामेंट ने, वो रोल का उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया है? इसका मतलब है कि जो रेगुलेटर है, जो सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो स्टेट के सेक्रेटरीज है हेल्थ के, और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, और FDA कमिश्नर्स और ड्रग कंट्रोल, उनका ये फेल्यूर है। दे हैव फेल्ड मिजरेबली टू प्रोटेक्ट द पेशेंट्स इन द कंट्री फॉर लास्ट 3-4 डेकेड्स, और उसकी वजह से फिर आपका भी उसमें कोई रगड़ नहीं, आपका रोल उन्होंने निकाल दिया। आपके फिर आपने शुरू क्या किया कि आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो सर्टिफिकेट्स आप रेंट पे दे रहे हैं, 100 रुपया, 1500, 2000 तक गया होगा। लेकिन ये क्या चीज़ है कि जो कानून बोलता है कि आपका ये क्या सर्टिफिकेट के लिए आपने डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट के लिए आपने डिग्री नहीं किया, आपने इसके लिए किया है कि वो पेशेंट को काउंसलिंग मिले। तो मुझे आपकी एम्प्लॉयमेंट तो है ही, हर एक का प्रोफेशन है, हर एक का कुछ ना कुछ तो मनी अर्निंग का ये होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा ये जो है कि पेशेंट काउंसलिंग इस देश में नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये मशीनरी का फेल्यूर है, गवर्नमेंट का सिस्टमिक फेल्यूर है। अभी मैं आपको ये बोलता हूँ कि उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में एक प्रावधान बनाया, मुझे लगता है कि सेक्शन 33P या कुछ तो है, कि अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कोई स्टेट में, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार रखे हैं। तो अगर फार्मासिस्ट इस देश में अगर शॉप में नहीं रहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक 30-40 साल में डायरेक्शन क्यों नहीं दिया है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया में इंडिया ने ऐसा डायरेक्शन क्यों नहीं दिया है? और मुझे लगता है कि ये जो FDA कमिश्नर्स और ड्रग कंट्रोल, उन्होंने इसका अमल क्यों नहीं किया, तो ये गिल्टी है। दे आर गिल्टी ऑफ मेकिंग द लाइफ ऑफ पेशेंट्स मिजरेबल इन दिस कंट्री। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा एक मशीनरी का, गवर्नमेंट का हिस्सा है। जब आपके बारे, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी डाली है कानून ने, तो वो जिम्मेवारी आपने निभाना चाहिए और आपने पेशेंट के साथ रहना चाहिए कि आपको ये जिम्मेवारी दी है। और ये जिम्मेवारी ऐसी कि हमारा कंसल्टेशन होना ही है कि जो डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए वो काबिल है क्या नहीं है, या कोई वो काबिलियत बिना काबिलियत दवा प्रिस्क्राइब रहे वो सही मात्रा में है क्या नहीं है, वो वेट के मुताबिक है क्या नहीं है, मल्टी फार्मेसी ऐसे ही पुश करने के लिए दिया जा रहा है क्या, ये सब चीज़ें करके। और अगर वो गलत है तो आपने वो वापस करना चाहिए, नंबर वन। तो जो पेशेंट का हेल्थ है उसकी जिम्मेवारी आप एक डॉक्टर के ऊपर थोड़ी सी एक नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, अगर डॉक्टर कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आप बताने के लिए आपकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी आप 30-40 साल भूल गए और फिर वहां तो आपको नियुक्ति नहीं दी गई थी और उसके तरफ जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उसने भी दखल अंदाजी नहीं किया, उसको दखल अंदाज कर दिया। दूसरी चीज है कि ये जो मेडिसिन है वो सही कीमत में पेशेंट्स को मिलना चाहिए। अभी ये जिम्मेवारी फिर से फार्मासिस्ट के ऊपर आती है। कानून में क्या लिखा है कि कानून में ऐसा है कि जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स सिर्फ जेनेरिक दवा ही प्रिस्क्राइब करेंगे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है और वो कोड ऑफ कंडक्ट कानून के तहत बना है। तो अभी वो डॉक्टर्स जेनेरिक, यानी वो आप मॉलिक्यूल बताइए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसको कुछ भी बोलिए, या मैं तो जेनेरिक बोलूंगा क्योंकि सामान्य आदमी के लिए वो जेनेरिक दवाई है, क्योंकि जिसको ब्रांड नेम नहीं है।
आपके कोई बड़े जो ऑफिसर है जो बैठे हैं दिल्ली में इधर उधर, वो इसके ऊपर बहुत बहस करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है और जेनेरिक क्या है, उसमें मत जाइए। अगर डॉक्टर ने ये नहीं लिखा है, जेनेरिक नेम नहीं लिखा है, मॉलिक्यूलर नेम नहीं लिखा है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि उनको जो कानून ने बताया गया है, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो आपने वापस करना चाहिए। अगर इस देश में एक भूत बनाया गया है, क्या भूत है? ब्रांडेड जेनेरिक क्यों है? कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडियन कंपनीज भी वो जो उनके जेनेरिक दवा है जिसका पेटेंट खत्म हुआ है फिर से कुछ तो नाम देके मार्केट में उतारती है, और पेशेंट्स आर बीइंग फ्लिस्ट कि जो अभी 1,50,000 करोड़ का बिजनेस है इंडिया में, शायद वो 80 लाख करोड़ तक ही आ सकता है, वन नेवर नोज। लेकिन इस देश में गए 30-40 साल में प्रशासन ने जो एनफोर्स करना चाहिए, जो पार्लियामेंट में बताया है कि जेनेरिक दवा अगर प्रिस्क्राइब किए, भाई आप पूछेंगे कि जेनेरिक दवा की अभी नए दुकान निकाल रहे हैं, आपको मालूम है इस देश में जेनेरिक दवा की दुकानें कितनी हैं? यू नो एवरीथिंग कि जो फार्मेसी की दुकान है उसके लिए एक ही जो लाइसेंस है, जो फॉर्म 20, वो जो आपके जो लाइसेंस है उसमें मैं जाऊंगा नहीं कि कौन से, लेकिन फॉर्म 20 के अंदर जो लाइसेंस आते हैं वो लाइसेंस इस देश में 8-9 लाख है। वो सभी लाइसेंस दुकानें जो है वो जेनेरिक है, क्योंकि उन्होंने जेनेरिक ही बेचने का वो प्रावधान है। आपको वो 1-to-1 ऐसा ये करना पड़ेगा कि अगर डॉक्टरों के लिए कानून ने ये मैंडेटरी किया है कि वो सिर्फ जेनेरिक ही लिखे, तो प्रिस्क्रिप्शन भी जेनेरिक ही आनी चाहिए। अगर प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक नहीं आती है तो ये पेशेंट का फंसाने की बात है, ये भूत तैयार किया गया है। और ये जो जो गरीब लोग हैं इस देश के, ये गरीब लोग के पॉकेट्स में से पैसे निकालने का ये दिन दहाड़े ये मुझे लगता है कि डकैती है। और ये डकैती क्यों चल रही है? कि ताकतवर लोग जो है वो ताकतवर लोग ये चला रहे कि चलो ब्रांडेड जेनेरिक किस्म चले गए। अभी ये आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन आपको उधर उन्होंने आपको साइड कर दिया, ये सब सिस्टम से तो आप भी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी थी। आप लोग बहुत ऐसा बोला जाता है कि ये जेनेरिक में कोई ये नहीं होता है। अभी जो जेनेरिक है 20% ऑफ द वर्ल्ड जेनेरिक जो खपत होती है उसमें से इंडिया से चले जाते हैं। अमेरिका से जो 40% अमेरिकन लोग जो जेनेरिक खाते हैं वो इंडिया से जाते हैं, और बहुत बड़े मात्रा में जो इंग्लैंड के लोग हैं वो भी जेनेरिक यूज करते हैं, वो इंडिया से जाते हैं। तो जेनेरिक वहाँ चलती है और यहाँ नहीं चलती है। ये सिर्फ एंड सिर्फ एक इंडियन पेशेंट के खिलाफ किया हुआ एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, इंडियन पेशेंट के पकड़ से पैसे निकालने की ये डकैती है। तो मुझे और कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं उसका असर नहीं होता है। अभी आपको मालूम है कि सभी जो मेडिसिन्स है वो मेडिसिन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एम के तहत ही बनती है। वो जो ब्रांडेड है, जेनेरिक ब्रांडेड है या आपके जेनेरिक है, सभी को शेड्यूल एम लगता है। अगर वो असर नहीं करती तो उसको रद्द करना चाहिए, उसका उसका कैंसिल करना चाहिए लाइसेंस, ये होता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो भी हुआ नहीं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करूंगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर आना है। तो ये जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड क्या है कि फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है शॉप में, ऐसा करके एक कल्चर बना 30-40 साल में। और ये कल्चर बना तो अभी इनफैक्ट आपके जो कुछ संगठन है, इसके ट्रेड के संगठन हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर दिया है कि फार्मासिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अभी ऐसे लोग अगर इस देश में कुछ एक साथ आके पेशेंट के खिलाफ दबाव डालेंगे, मुझे लगता है कि इस देश में आम आदमी के लिए तरफ देखने के लिए कोई नहीं, लेकिन आप है। फॉर्चुनेटली अभी तक वैसा कोई प्रावधान में चेंज नहीं हुआ है कि हर एक शॉप में वो रहेगा ही। अगर इस देश का कल्चर होता था कि हर एक शॉप में वो जो फार्मासिस्ट है वो काउंसलिंग करता ही था, तो मुझे लगता कि कोई ऑनलाइन में जाएगा नहीं, क्योंकि सामने सामने एक दूसरे का पहचान होती है कि नेबरहुड में जो जो आपके पास दवा खरीदने के लिए जो खुद पेशेंट्स आते हैं या उनके जो रिलेटिव्स आते हैं उनको आप खड़ा करते कर सकते थे एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। उनको बताते थे आपकी उनको आपकी इम्पोर्टेंस समझती थी और फिर ऑनलाइन की तरफ जाता नहीं था। अभी भी आप ये अपॉर्चुनिटी गई नहीं है, अभी भी वो रूल्स मुझे लगता है कि बाहर आए नहीं है। सम हाईकोर्ट्स हैव गिवन स्टे टू ऑनलाइन फार्मेसी का जो आ रहा है उसके लिए, वो टेम्पररी रहेगा। लेकिन अगर आपको आपका प्रोफेशन बचाना है तो नंबर वन
कि आपने पूरे देश में जो 8-9 लाख के शॉप है उसमें फार्मासिस्ट होना ही है, इसकी मूवमेंट करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि नहीं लगाते, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कि आना चाहिए, आने के लिए कोई पाकिस्तान से बांग्लादेश से लोग कोई आके आपको वहाँ देने लेने नहीं है, वो आपको करना है। अगर महात्मा गांधी ने यही सोचा हुआ करता था कि चलो मैं क्यों करूँ, कोई तो करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा पेशेंट के लिए कुछ करना है, छोड़ो पेशेंट की बात, कि खुद के लिए अगर करना है, तो पूरे 8-9 लाख शॉप में ये आपका उधर उनका प्रेजेंस होना जरूरी है। इसके लिए पूरे देश में एक मुहिम चलानी चाहिए, एक मिशन होना चाहिए कि एवरी शॉप हैज टू हैव फार्मासिस्ट, अदरवाइज दैट शॉप हैज टू बी क्लोज्ड, वो फार्मेसी बंद होनी चाहिए। ये मुहिम आप चलाते क्यों नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि जब मैंने शुरू किया 2011 में, मैंने किसी ने मुझे बोला नहीं कि आप ये शुरू कीजिए, मैंने खुद शुरू किया था। आप उसके बेनिफिशरीज है, कोलैटरल बेनिफिशरीज है, लेकिन तभी भी मुझे ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद में मैंने बहुत प्रयास किया, तभी भी सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जब तक आप इस देश में ये मिशन नहीं चलाते कि कोई भी दुकान विदाउट फार्मासी चलेगी नहीं, तब मुझे तब तो कुछ होगा नहीं। और आप जब करेंगे और आप काउंसलिंग देने लगेंगे, तो ऑनलाइन वाले ऐसे ही चले जाएंगे, ऑनलाइन वाले का कोई उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ है। दूसरी चीज़ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ट्रे इसमें होलसेल के लिए ये नहीं है, फार्मासिस्ट के कानून में बदलाव होना चाहिए या इधर हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो कितनी संख्या में है? अगर 9 लाख फार्मासिस्ट में इतना बड़ा है, तो 9 लाख फार्मासिस्ट के पोस्ट उधर होना आपको होना चाहिए। और ये जो बिजनेस है, 1,50,000 करोड़ की खपत है इस देश में, और आपका 16% मार्जिन रखा है रिटेल में, तो हर एक फार्मासिस्ट अगर 8 लाख आपने दुकानें पकड़ी, तो 3 लाख का आपको प्रॉफिट एवरी ईयर मिनिमम एवरेज आएगा। तो इससे ज़्यादा बड़ा अच्छा प्रोफेशन इस देश में क्या हो सकता है? और ये जो 8 लाख फार्मासिस्ट है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है, वो सब पकड़ के 50-60 लोगों के डिपेंडेंट, अगर ये उसके ये सब इसके ऊपर होता है, तो मुझे लगता है कि एक इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, पेशेंट के लिए अच्छा है, और सबसे अच्छा है कि ये जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जब ऑनलाइन का फार्मेसी का दौर चला, शुरुआत चली, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड कौन होने थे? अभी के तो फार्मेसी होंगे ही, लेकिन जो मार्केट में अभी आने वाले हैं, जो कॉलेजेस में हैं, वो उनको तो कुछ उसका उनका जो फ्यूचर है वो डार्क है। कॉलेज में इसके बारे में एक स्टूडेंट में भी कुछ बोला नहीं है। आजकल के स्टूडेंट को हुआ क्या है? मुझे लगता है कि उन्होंने भी मुहिम चलानी चाहिए थी कि इस देश में ऑनलाइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट के लिए भी खतरा है, और हमारा क्या, फिर कॉलेजेस क्यों चला रही है? आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो क्या कर रहा है? वो छोड़ दो, उनके बारे में तो मैं बोलना छोड़ ही दिया हूँ, वो क्या करते क्या नहीं करते वो इसके है। लेकिन जो फार्मेसी कॉलेज के स्टूडेंट्स बाहर आएंगे और जब ऑनलाइन आएगा, तो पूरे के पूरे ये लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जो अभी मार्केट में हैं, आप जिनको कुछ थोड़े से लीडरशिप कर रहे, आपने ये सब बात फैलनी चाहिए कि ऑनलाइन फार्मेसी के लिए ये आगे वाले, मुझे लगता है कि आगे तो कोई कॉलेज भी चलेगा नहीं, कौन कौन कॉलेज करेगा ऑनलाइन में आ गया तो। आखिरी बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी मैंने पहले भी बोला था कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के जो जॉब्स है उसमें से 65% जॉब्स वैनिश होने वाले हैं आगे 10-15 साल में। फार्मेसी के जॉब भी उसके ऊपर रेड फ्लैग में आ जाएंगे। अगर जॉब चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए, पेशेंट तो छोड़ो, आप भी छोड़ो, लेकिन देश के लिए खतरा है कि जो बढ़ने वाली आबादी है उसके लिए जॉब्स रहना चाहिए। अभी ये जो समझो, ठीक है, पेशेंट का कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, लेकिन ये जो 8 लाख फार्मेसीज है या दुकानें हैं, अगर ऑनलाइन आ गई तो क्या होगा? एक चीज है कि ये जो 1,50,000 का बिजनेस है, कुछ गिने चुने लोग ही इकट्ठा करेंगे, जैसे कि अमेजॉन है, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनकी भूख बहुत बड़ी है, उनको खाने के लिए बहुत लगता है, वो बेचारों के क्या करेंगे? हमारे जो 8 लाख भाई बहनों हैं, बहनें हैं शॉप ओनर्स, उनको क्या कैसा भी गुजारा करेंगे, लेकिन ये बेचारे भूखे मरते हैं, जैसे कि अमेजॉन वाले होते हैं। तो वो ऐसे लोगों के पास ये सब प्रॉफिट चला जाएगा, जो आजकल वो प्रॉफिट ये सब इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है 8 लाख दुकानों में। तो मुझे लगता है कि देश की इकोनॉमी के लिए, देश के एम्प्लॉयमेंट के लिए ये भी एक खतरा है। तो इसकी वजह से इसके लिए भी ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से शुरू होना है? हर एक कॉलेज से,
हर एक फार्मासिस्ट ने इन्होंने मुहिम चलानी है कि हमारे लिए नहीं, कम से कम देश के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, कम से कम देश के पेशेंट्स के लिए ये ऑनलाइन बंद करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कुछ हो रहा है। और आज से, नॉट फ्रॉम टुमारो, टुडे, आप हर एक पेशेंट जो आएगा उसको रुकवाइए, बोलने का रुकिए, आप ये जो दवा दी है वो दवा सही है नहीं है आप उसको बताइए, आपका इम्पोर्टेंस उनको दे दीजिए। आप सिर्फ आजकल क्या करते हैं कि कोई आता है प्रिस्क्रिप्शन लेके, वो बिजनेस होता है, उसमें काउंसलिंग ऑलमोस्ट जीरो है। कुछ लोग करते होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि 100% है, लेकिन बहुत ये यानी बहुत छोटा रहेगा ऐसा। तो आज से देश में पूरा ये होना चाहिए कि हम किसी भी पेशेंट को बिना काउंसलिंग के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अगर किया तो ऑनलाइन जो फार्मेसी आ रही है वो उसका खतरा जो है देश के लिए है, पेशेंट के लिए है, और आप लोगों के लिए है, और आने वाले जो स्टूडेंट्स है मार्केट में उनके लिए, वो खतरा कहीं ना कहीं कम होते जाएगा। अन्यथा मुझे लगता है कि फ्यूचर इज़ वेरी ब्लीक एंड आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दिस। तो इसलिए मैंने आज रोहित गुप्ता और मोहेकर, इन दोनों के कहने से आपसे वार्तालाप किया हूँ। इसमें से जो अलग अलग चीज़ें हैं हर एक के, उसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन आज सिंस पहला दिन है तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है ओवरऑल। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब तक आप सामने नहीं आते हैं, मैं झगड़े से का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं झगड़े को लगा था कुछ पेशेंट्स के बारे में करेंगे, वो करके चला गया। जो DCG आया है उनको जगाओ, हेल्थ सेक्रेटरीज को जगाओ कि आप सो क्यों रहे हैं। उनके अगर कोई काम नहीं कर रहा है, वो सैलरी ले रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके ये जो देश के खिलाफ काम करने जैसी बात है। तो DCG, आपको एक मैं बताता हूँ कि एक चीज़ कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बैंड जो मेडिसिन ड्रग था उसके ऊपर कार्रवाई किया एक कंपनी के खिलाफ कि वो बैंड ड्रग मार्केट में पुश कर रहे थे। तो वो उनके खिलाफ मैं FIR करने जा रहा था, तो मैं FIR ना करूँ इसके लिए DCG को मुझे मिलने के लिए बॉम्बे आना था दिल्ली से। लेके एक कंपनी का जो इतना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन 30-40 साल ये पूरे देश के 135 करोड़ में के जो पेशेंट्स हैं उनके तरफ ध्यान देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। टाइम है अभी। आप ये मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है कि फार्मासिस्ट क्यों नहीं रखा जाता है। फार्मासिस्ट को सैलरी देनी पड़ती है। अगर फार्मासिस्ट को सैलरी देनी है तो फिर पैसा ज़्यादा जाता है, प्रॉफिट में कम आती है। अगर प्रॉफिट कम होता है तो फिर उसमें रेगुलेटर क्यों काम नहीं करते, ड्रग इंस्पेक्टर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। सिंपली आपको मालूम है कि इसको फार्मासिस्ट को सैलरी देने से कुछ इनको ही समझा जा सकता है ड्रग इंस्पेक्टर को। तो मुझे लगता है कि ये भी सिस्टम आपको देखना पड़ेगा कि रेगुलेटर के सिस्टम भी इस देश में फेल्योर गई है। और ये फेल्ड सिस्टम जो है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पेशेंट के लिए है। मैं सिर्फ ऑनलाइन के बारे में एक बात बताऊंगा, ये ऑनलाइन नया नहीं है। 2008-09 में अमेरिका में एक लड़का था 19 साल का, रायन हाइट नाम का लड़का था, उसने ऑनलाइन से दवाई मंगाई है, ओवरडोज हो गया और मर गया। अमेरिका में USA ने उसके ऊपर रायन हाइट एक्ट लाया और ऑनलाइन फार्मासिस्ट के ऊपर बहुत रेगुलेशंस आए, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन लाए। ये बात पूरे दुनिया में चली है कि ये ऐसा ऑनलाइन में बहुत बड़ा गफला होता है और इसमें से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए इंटरपोल हर साल मई जून में एक ऑपरेशन पेंजिया चलाती है। तो ये बहुत पहले है हमारे, पहले ही ऑनलाइन के पहले। तो ऑनलाइन के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आप समझिए और आप लोगों को समझाइए कि ऑनलाइन के उनके लिए कितना खतरा है। जब तक ये नहीं होता है मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। मैं आपको, आप मुझे ऐसे ही फेसबुक लाइव पे बुलाएंगे और सुनेंगे और कल चलो ठीक है यार हम क्यों देखें। तो देखना तो आपको है, महात्मा गांधी बार बार आते नहीं हैं, आप में से ही किसी को तो महात्मा गांधी होना पड़ेगा। अब देवेंद्र भारती या मोहेकर या गुप्ता, अभी देवेंद्र भारती कहाँ है, मुझे नॉट देवेंद्र भारती है, अपना भारती जी है, विनय भारती, वो कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है। वो भी ठीक चलाते थे, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि आपकी जो लीडरशिप है नेशनल लीडरशिप होनी चाहिए। मैं आपको हर एक चीज़ के लिए साथ देने के लिए तैयार हूँ और वो सिर्फ पेशेंट्स के लिए। मुझे लगता है कि मेरे उसमें एक ये है, मेरा स्वार्थ है उसमें। अगर आपको काम मिला, आप अच्छे हो गए, तो मेरा स्वार्थ है कि मेरे पेशेंट्स भी अच्छे हो जाएंगे।
और इसके लिए मैं आपका साथ देने के लिए और किसी भी हद तक देने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि मैं इतना ही आपसे बात करूँगा। जो डिटेल टेक्निकल सेशंस है, अगर आप आगे सुनना चाहेंगे तो फिर आधे आधे घंटे के टेक्निकल सेशन हम करते रहेंगे। आपका धन्यवाद। थैंक यू।